हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टॉम इन द गार्डन। बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी छोटी सी समरी बता देती हूँ। दैट दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल स्नेल। उस स्नेल का नाम क्या था? सुनो सुनो। और वो क्या है, वो चींटियों के साथ अपने बगीचे में खेलता है, जो स्नेल होता है। फिर वहाँ पे बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है और चींटियाँ अपने आप को एक गमले में छुपा लेती है, और जो स्नेल होता है वो अपनी शेल में खुद को छुपा लेता है। फिर अचानक से क्या होता है, आंधी चलने लगती है और चींटियों ने कहा स्नेल को कि तुम अपनी मम्मा के पास वापस चले जाओ। और आंधी के बीच बीच में ही स्नेल अपनी मम्मा के पास पहुंच जाता है। तो जो भी रास्ते में उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं मम्मा के पास जाते टाइम, जो रास्ते में उसको एक्सपीरियंस हुआ, वो सब इस उसने अपनी मम्मा को सुनाया। तो बच्चों शुरू करते हैं। स्टॉर्म इन द गार्डन। सुनो सुनो, द स्नेल इज़ प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंट्स। जो सुनू सुनू था स्नेल, वो अपने चींटियों के साथ खेल रहा था, जो उसकी दोस्त थी। सडनली देयर इज़ अ स्टॉर्म। अचानक से वहाँ पे स्टॉर्म क्या होता है, तूफान आया। और ही हरीज टू हिज मदर, और वो अपनी मदर के पास दौड़ा जो था सुनू सुनू, और टेल सर ऑल ही सॉ एंड हर्ड, और उसने सब कुछ बताया जो भी उसने देखा और सुना। यानी जो सुनू सुनू था वो अपनी दोस्तों के साथ चींटियों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक से आंधी आ जाती है और वो क्या करता है, भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचता है, और उसने जो भी देखा होता है, सुना होता है, उनके बारे में वो बताता है। सुनू सुनू द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। विजिटिंग क्या होता है, विजिटिंग होता है गोइंग टू मीट समवन, यानी मिलने जाना। एंड्स यानी चीटियाँ, और क्लाइम्ब यानी ऊपर चढ़ना। सुनू सुनू द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। जो सुनू सुनू था अपने दोस्त चीटियों से मिलने जा रहा था। द एंड्स यानी चीटियाँ, दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, वे सब उसके ऊपर चढ़ गई। ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम, ही और वो उसके नीचे भी आने लगी। तो जब वो स्नेल था अपने फ्रेंड्स चींटियों से मिलने जा रहा था, तो वो क्या हुआ, वो चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ गई और उसके नीचे भी चढ़ गई। मतलब किस और साउंड उन्होंने प्रोड्यूस की, ही। सडनली, सडनली क्या होता है बच्चों, सडनली होता है अचानक से, कि आपको उसको एक्सपेक्ट नहीं कर पाते और अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़, कोई साउंड एकाएक जिसको बोल देते हैं, दैट इज़ सडनली। अ ग्रेट वाइट लाइट, एक बहुत बड़ी मतलब कि सफ़ेद लाइट, क्रैश्ड। क्रैश्ड क्या होता है बच्चों, कि ब्रोकन, एक मतलब कुछ क्रश कर देते हैं ना, जैसे ब्रोकन विद अ लार्ज साउंड। आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है बिजली कड़कने की जो आवाज़ होती है, दैट इज़ क्रैश्ड। सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स, जो बादलों के बीच में से जो एक सफ़ेद बिजली जो थी वो कड़की। सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हैंड, और सुनो सुनो ने क्या किया, जल्दी से जो अपना पुल्ड मतलब होता है अंदर करना, या पुल्ड मतलब खींचना भी होता है, बट यहाँ पर होता है अंदर करना। सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हैंड, और जो सुनो सुनो था उसने अपना जो सिर था वो अंदर कर लिया। पुल्ड इन हिज टेल, और अपनी पूंछ भी अंदर कर ली। एंड सेट VERY STILL स्टिल, एंड सेट वेरी स्टिल, और बिना हिले डुले बैठ गया। ये देखो, ये स्नेल है, ये अपनी फ्रेंड चींटियों से मिलने जाता है, इसकी फ्रेंड से चींटियाँ ये इसके नीचे ऊपर हर जगह चढ़ जाती हैं। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब होता है बेटा बाहर। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट, का 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 का। ये का का जो है, यानी काऊ 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 जो क्रो की आवाज़ है, ये दी गई है। आउटसाइड बाहर, द स्काई यानी आसमान, ग्रू डार्क यानी काला पड़ गया, एंड द क्रोज और जो कौवे थे, फ्लू पास्ट यानी कि जो कौवे थे वो पीछे की तरफ वापस उड़ चले। Outside the sky grew dark, बाहर आसमान काला पड़ गया और कौवे पीछे की तरफ उड़ चले, काँव काँव की आवाज़ करते हुए। ओह बट वेयर वर द एंट्स, ओह लेकिन चींटियाँ कहाँ थी। सुनू सुनू स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। जो सुनू सुनू था उसने क्या किया बेटा, इसमें जो फीलर्स होता है उसको हम, फील को बॉडी पार्ट होता है एक एनिमल का, जो
एक तरह से सेंसेस बोल देते हैं जिनको, उसने क्या किया, सुनो सुनो ने जो अपनी सेंसेस थी वो बाहर निकाली और उनको खोजने लगा। एंड लुक्ड फॉर होता है, लुक्ड फॉर होता है खोजना, लुक्ड फॉर दैम दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। तो उसको क्या दिखा, जो चींटियाँ थी वो एक फ्लावर पॉट कहता है गमला, हाइडिंग होता है छिपना, वो जो चींटियाँ थी वो एक गमले के नीचे छिप गई थी। गो होम सुनो सुनो, सुनो सुनो घर जाओ। द एंट्स क्राइड आउट, क्राइड होता है बेटा चिल्लाना। जो चींटियाँ थी वो क्या चिल्ला रही थी, सुनो सुनो घर जाओ, हरी हरी जल्दी करो, योर मदर विल वरी, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। वरी मीन्स परेशान होना। सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। जो सुनो सुनो था वो अपनी माँ के पास चला गया, जो कहाँ बैठी थी, एक कुएं के नज़दीक एक पत्थर के नीचे बैठी थी। स्टोन यानी पत्थर, वेल यानी कुआं। अम्मा माँ सेट, सुनो 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 ने क्या कहा, अम्मा देर इज़ अ स्टॉर्म इन द गार्डन, जो बगीचा था गार्डन था उसमें क्या आए, तूफान आया या आंधी आई। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, ओ ओ ओ, तो मैंने जो हवा थी उसको क्या करते देखा, सुना, जो हवा चल रही थी उसको साए साए करते सुना। आई सॉ ट्री स्वे स्वे, और जो मैंने पेड़ों को साए साए करते सुना, और जो हवा थी मैंने उसको ब्लो करते हुए देखा सुना, हु की आवाज़ थी। आई सॉ ट्रीज, मैंने जो पेड़ थे स्वे 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 शाए शाए शाए, और जो मैंने पेड़ थे उनको झूलते हुए देखा, साए साए की आवाज़ करते हुए देखा। आई सॉ लाइटनिंग, मैंने किसको देखा, मैंने बिजली को चमकते देखा, कैसे, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जैक जैक जैक, तो वो उनकी साउंड जो उसने पेड़ों से स्टॉर्म की वजह से जो पेड़ों से आवाज़ सुनी, हवा की जो ऊ की आवाज़ सुनी उसने, और जो बिजली कड़कते टाइम जब वो उसने जैक जैक की आवाज़ सुनी, तो वो वाली जो साउंड थी वो प्रोड्यूस करके अपनी माँ को अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। नेक्स्ट, आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, मैंने बारिश को सुना, सॉरी आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, जो मैंने बादल थे उनको गरजते हुए सुना, गड़म 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 गड़म, तो वो साउंड प्रोड्यूस करके दिखा रहा है अपनी मम्मा को। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, और मैंने बारिश को बरसते हुए सुना, सिटा 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 पिटा सिटा सिटा, यानी सिटपिट सिटपिट, उसने ऐसे उसकी आवाज़ निकाली बारिश की। आई हर्ड वाटर, मैंने पानी को सुना, और पानी की आवाज़ क्या थी, ट्रिप ट्रिप ट्रिप, प्लिप प्लिप प्लिप। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, ये एक बहुत बड़ा तूफान था। क्या कह रहा है वो अपनी मम्मा को, कि मैंने हवा की आवाज़ सुनी, मैंने बिजली की आवाज़ सुनी, मैंने पेड़ों की साए साए की आवाज़ सुनी, मैंने पानी की आवाज़ सुनी, मैंने बारिश की आवाज़ सुनी, तो ये क्या था, ये बहुत बड़ा स्टॉर्म था। सुनो सुनो हैड एवर बीन इन, यानी सुनो सुनो इसमें फंस गया था। ओ शाए शाए जैक जैक गुदम गुदम, ये सारी आवाज़ वो प्रोड्यूस करके सुना रहा है, सिटा सिटा पिटा पिटा, क्लिप क्लिप क्लिप। एंड डू यू नो व्हाट, और क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट, और सुनो सुनो गीला नहीं हुआ। Do you know why? क्या तुम ऐसा जानते हो, इसमें जो स्टोरी थी बेटा, ये स्टोरी थी एक स्नेल की, सुनो सुनो की, जिसने अपनी मम्मा को अपने घर वापस पहुंचने पर अपने एक्सपीरियंस बताए, जो भी उसने उस तूफान में उस बारिश में उसने फील किए। और लास्ट में जो इसका कहानी की जो पोएटेस है संध्या राव, वो क्या पूछ रही है कि जो क्या तुम जानते हो जो सुनो सुनो था वो गीला नहीं हुआ। Do you know why? क्यों नहीं हुआ? अब नेक्स्ट करते हैं बेटा न्यू वर्ड्स। एस एन ए आई एल स्नेल मैंने आपको बताया था, और इसमें भी दिया हुआ है, देखो दिस इज स्नेल। डी ए आर की डार्क यानी गहरा या अंधेरा। एफ ई ई एल ई आर एस फीलर्स होती है बेटा, अपने सेंसेस। एस टी ओ आर एम स्टॉर्म यानी तूफान। एल आई जी एच टी एन आई एन जी लाइटनिंग यानी बिजली। THUNDER थंडर, थंडर यानी मतलब जो बादल गरजते हैं ना लाउड नॉइस के साथ, दैट इज थंडर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स।
हु वॉज, सुनो सुनो, जो सुनो सुनो था वो कौन था? सुनो सुनो वॉज अ स्मॉल स्नेल। हु वॉज सुनो सुनो विजिटिंग, सुनो सुनो किससे मिलने जा रहा था? सुनो सुनो वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स। वेयर वर द एंट्स हाइडिंग, चीटियाँ कहाँ छुपी हुई थी? द एंट्स वर हाइडिंग बिलो अ फ्लावर पॉट, जो चीटियाँ थी वो फ्लावर पॉट के नीचे या पास छिपी हुई थी। डिड सुनो सुनो नॉट गेट वेट, क्या सुनो सुनो गीला नहीं हुआ था? डिड सुनो सुनो गेट वेट, क्या सुनो सुनो गीला हुआ था? नो, सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट। लेट्स टॉक में, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, क्या तुम मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते हो? येस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन, क्या तुमने कभी बगीचे में चींटियां देखी हैं? तो अगर आपने देखी है वैसे चींटियां तो तुम सबने देखी होंगी, देन यू कैन राइट येस आई हैव सीन अ नंबर ऑफ एंट्स इन द गार्डन। वी वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वट दे कैरी टू देयर होल्स, चींटियों को देखो वो कहाँ जाती हैं और अपने बिल में क्या लेकर जाती हैं। तो इसको आपने खुद देखना है अपने घर के आसपास, या आपके घर में घर के बाहर गार्डन हो तो आपने ढूंढना है चींटियाँ कि वो कहाँ जा रही हैं और अपने साथ अपना जो उनका बिल होता है उसमें वो क्या क्या सामान लेकर जा रही हैं। डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स आफ्टर इट रेन्स, सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस, क्या तुम जानते हो कि वर्षा के बाद जो स्नेल और वो जो केंचुए होते हैं अर्थवॉर्म्स जिनको बोलते हैं वो क्यों दिखाई पड़ते हैं? अपने ग्रुप में बैठो और इस पर डिस्कस करो। तो इसका आंसर भी देखो प्रोवाइड किया गया है, बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विद वाटर, क्योंकि वो जो छोटे छोटे होल्स में रहते हैं वो जो बारिश होती है वो पानी से भर जाते हैं, तो इसलिए उनको अपने जो घर होते हैं उनसे बाहर निकलना पड़ता है। लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, आपने पिक्चर में ये जो है देखने हैं सेंटेंसेस, इनके साथ ही ना पिक्चर दी है और ये देखो जो बॉक्स है इसमें ना आपको ये वर्ड दिए हैं इन ऑन अंडर बिहाइंड एंड ओवर। तो ये क्या करना है बेटा, आपने इन पिक्स को देखकर appropriate word उठाना है और fill in the blanks में fill करना है। like the cat is jumping dash the wall, तो जो cat है वो wall के ऊपर से jump कर रही है तो हम लिखेंगे the cat is jumping over the wall। next the cat is dash the box, तो cat कहाँ है? the cat is in the box। the cat is dash the door, तो ये कहाँ है? दरवाजे के पीछे। the cat is behind the door। The cat is dash the stool, जो ये cat है कहाँ है? ये नीचे है stool के, तो हम इसमें fill करेंगे The cat is under the stool। The cat is dash the suitcase, The cat is dash the suitcase, तो ये कहाँ है? तो ये ऊपर है, तो हम लिखेंगे The cat is on the suitcase। Next है बेटा, let's sing। Out in the garden each fine day with my ball I like to play, I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball in on each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play, I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. छोटी सी राइम है ये, देखो आपकी कर्सिव राइटिंग को सुधारने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये इनको ट्रेस करना है लाइक दिस। तो ये आपने खुद करना है बच्चों। तो बच्चों ये थी आपकी एक छोटी सी, छोटी भी नहीं कह सकते, ठीक थी ये तो स्टोरी, ये स्टोरी थी आपकी लिटिल स्नेल सुनो सुनो के बारे में कि कैसे वो अपनी फ्रेंड्स चींटियों से मिलने जाती है और वो उसके साथ जैसे ही खेलने लगती हैं उसके ऊपर नीचे चढ़ती हैं तो साथ ही साथ तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है और वो फिर जब स्नेल अपनी मामा के पास जाता है तो वो उसको अपने एक्सपीरियंस बताता है साउंड प्रोड्यूस कर करके कि मैंने ये वाली साउंड सुनी, ये वाली साउंड सुनी और मैं फंस गया था। तो बच्चों आप, आई होप आपको जो भी ये सॉल्यूशन मैंने करवाए हैं समझ आए होंगे और अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। जो भी बच्चा नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़िए।
नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।